आपको शाहरुख खान की डंकी फिल्म कैसी लगी? बड़े जोर से लगी। डंकी, जैसा कि सबको पता है कि शाहरुख खान बोगरा की इस साल की तीसरी 1000 करोड़ी फिल्म होने जा रही है। राजकुमार हीराबाई की मैग्नम ओपस है और तापसी चुन्नू जो कि इस समय भारत ऑक्यूपाइड चीन की पसंदीदा महिला हीरोइन है, ये सब साथ आ रहे हैं। साथ में अभिनय की रस्म पूरी करने के लिए विकी कौशल भी है। सुनील ग्रोवर को भी लेना चाहिए था, कॉमेडी की रस्म भी पूरी हो जाती। विकी कौशल शानदार अभिनेता है मगर उनकी शक्ल बड़ी वैसी लग रही है। फिल्म में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, इतना तो नसरुद्दीन शाह नहीं लगते थे अपनी प्रौढ़ जवानी में। हो सकता है कि सलमान भाई के फैंस के कलेजों को ठंडक देने के लिए ऐसा किया हो। शक्ल तो वैसे सभी की डोंकी टाइप लग रही है। शाहरुख साहब चूंकि हीरो है इसलिए उनकी सबसे ज्यादा लग रही है। जोकर में बोने का रोल करने के बाद शाहरुख डोंकी में शायद एक ऐसे लड़के की भूमिका में है जिसका मुंह आगे की ओर निकला होने के कारण लोग उसे घोड़ा गधा कहकर मजाक बनाते हैं, और ये आदमी तापसी पन्नू कश्यप की प्रेरणा से जीवन में सफल हो जाता है और लंदन का मुख्य खलीफा बन जाता है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। राजकुमार हीराबाई ऐसी ही इंस्पायरिंग सब्जेक्ट पर स्टोरी बनाते हैं। चॉकलेट पोतने वाले गांधी जी, समाज उद्धारक एलियन, दिल का भला अयाश फिल्मी हीरो डोंकी, पीनस गार्लिक इत्यादि। फिल्म में एक पसमानदा सरदार जी भी है, वो कनाडा क्यों नहीं जा रहे हैं, लंदन क्यों जा रहे हैं, यह इस फिल्म का मुख्य सस्पेंस है। हिरानी ने अपनी फिल्मों में हमेशा भारतीय समाज की कुरीतियों को उखाड़ फेंकने की बात की है, जैसे पढ़ाई लिखाई करना, मंदिर जाना, दारू सिगरेट को बुरा मानना, भगवान में श्रद्धा रखना, माँ बाप की इच्छा का सम्मान करना और परंपराओं में आस्था रखना। पिछली दो फिल्मों में वो ज्योतिषाचार्यों को जोकर और फ्रॉड साबित कर चुके हैं। शाहरुख और पन्नू के पोस्टर से लगता है इस फिल्म में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर आवाज उठाई होगी। तापसी पन्नू को सती किया जा रहा होगा, शाहरुख बचा लेते हैं, इसके बाद वो उन्हें प्रेरणा देती है। पाकिस्तानी सच्चे, ईमानदार, न्यायप्रिय और देवतुल्य होते हैं, ये वाला एंगल भी जरूरी है। आशा है इसका ख्याल रखा गया होगा।